तो बच्चों ये क्या है, इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू, किसका y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ आपको दिख रहा है थ्री, क्या लिखा है, थ्री वाई माइनस टू अपान सेवन प्लस फाइव वाई माइनस एट अपान फोर इज इक्वल टू वन अपान फोर, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप देख रहे हो ये किस पार्ट में है, यह फ्रैक्शन पार्ट में है, किस में है, फ्रैक्शन। अब उसमें क्या है, यह सेवन क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, और थ्री वाई माइनस टू क्या है, न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर। इसको क्या है, अब इसका दोनों जो दिया है क्या है कि थ्री वाई माइनस टू अपॉन सेवन, फाइव वाई माइनस एट अपॉन फोर, इनका जो डिनोमिनेटर पार्ट्स है सेवन और फोर, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक देख रहे हो, एक यहां पे देखो एलसीएम, जब भी बच्चे यह सेवन, सेवन क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, और फोर क्या है, इवन नंबर। जब ऑड और इवन नंबर का एक साथ हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो सिंपल सा कुछ मत करना बच्चे, क्या करना, दोनों का आपस में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। तो सेवन और फोर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, कितना होगा, 28। वेरी गुड। अब क्या है कि इसके न्यूमरेटर से, क्या डिनोमिनेटर से क्या करेंगे हम, एलसीएम जो हमने फाइंड किया है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सेवन, अब 28 में बच्चों सेवन का हम डिवाइड करेंगे तो कितने टर्म में जो होगा, सेवन के टर्म में कितने टर्म में आता है 28, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा 14, सेवन थ्री जा और सेवन फोर जा 28। तो हमारा कितने टर्म में आया, फोर टर्म में। आपने देखा यहां पे बच्चे, यहां क्रॉस नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, क्या होता है, यहां जीरो बचता है, क्या होता है, यह रियल जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां पे जीरो होता है। अब देखो तो कितने टर्म में गया, फोर टर्म में, तो सेवन फोर। अब क्या करोगे आप, जो थ्री वाई क्या है, थ्री न्यूमरेटर पार्ट है, उसमें जो आपका रिजल्ट आया है इसे एलसीएम में डिवाइड करने के बाद से उसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा, फोर से, किससे, फोर से। अब क्या है, प्लस यहां पे क्या है आपका, फोर, फोर से जब 28 में डिवाइड करोगे तो कितने टर्म में होगा, सेवन टर्म में, कितने टर्म में, सेवन टर्म में। इसका न्यूमरेटर है 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। इतना तक समझ में आया। अब क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्या करोगे, ओपन करोगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12y माइनस 4 2 जा 8 प्लस 7 5 जा 35y। 7 का 8 में माइनस है तो माइनस यहां पे डिनोट करेंगे, और 7 8 जा 56। बोला करो बच्चों 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब देखो यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, जो सेम साइन है उनको हम क्या कर लेंगे एक। अब 12 और 35 कितना हो जाएगा, 5 टू 7 और 3 प्लस 1 4, 47 वाई। और यहां देखो ये भी माइनस है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, एक पास एक में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यह 8 प्लस 6 56 कितना हो जाएगा, 64 अपान 28। यहां तक समझ में आया ना बच्चों। अब क्या करेंगे, हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है, y का, किसका, y का। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब क्या करेंगे हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 28
हो गया। अब जब 28 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 47y-64 = हम इसको 4 को वहीं पे 28/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 हमारा है जो लिखा नहीं जाता है। अब क्या है, 4 7 28। अब हमको कितने का वैल्यू ज्ञात करना था बच्चों, फाइंड करना था, 64 बचा है और यहाँ पे क्या है आपका 7। इतना समझ में आया? अब क्या है, अब यहां से जो सेम दिख रहा है उनको एक तरफ कर लेना है। क्या करना है, एक तरफ। जैसे क्या है, इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या है, दोनों है, यानी कि चर और अचर राशियां दोनों हैं। और इसमें क्या है, केवल अचर पद है, नॉन वेरिएबल है। क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो हम क्या कर लेंगे, 47y = 7+64। ये माइनस है, अब ये दूसरे साइड में जाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस क्या हो जाता है, माइनस, डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, डिवाइड। जैसे यहां पे क्या है, यहां ये डिवाइड है, यह अदर साइड में गया तो यह क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब आप क्या देख, देखो अब ये कितना हो जाएगा टोटल, एड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7+4 कितना होता है बच्ची, 11। कितना होता है, 11 आपके, और 1 क्या होगा, कैरी करके आप 6 में ले जाओगे, 71। ये आपके लेवल का है 7y। अब क्या है, 47, तो y = 71/47 वैल्यू फाइंड हो गया। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक ना बच्चों।